गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ मनीषा। तो आज है संडे मॉर्निंग एंड मॉर्निंग क्या आफ्टरनून होने वाला है और काम वही स्टार्ट हो रखे हैं। तो ये मैंने स्प्राउट्स बनाए थे, तो स्प्राउट्स बहुत ही ईजी बन जाते हैं, मतलब विद इन वन डे आप इसको बना सकते हैं। कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। मतलब ये होता है, इनको वॉश करके बिल्कुल हल्का सा पानी छोड़ दो और फिर एक कपड़े से ढक के, गीले कपड़े से ढक के रख दो और नीचे हल्के से पानी में डुबा के डिप करके रख दो। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है या नहीं, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं शेयर करूंगी ये, क्योंकि एक ही दिन में आप इसको बना सकते हो। चने बॉयल किए थे तो चने थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा ही बॉयल करती हूँ, जैसे आप सबको पता है। साथ में मैंने जो स्वीट कॉर्न बॉयल किए थे वो भी बचे हुए हैं, तो ये छोटे छोटे इस तरह के बॉक्सेस में निकाल के मैं रख देती हूँ। और ये आपका जो इवनिंग स्नैक्स है उसमें बहुत ही अच्छा से चाट बन जाता है इन सब का। मतलब तीनों ही चीज़ें ऐसे हैं, आप इसको 3 दिन अलग अलग चाट बना के खा सकते हैं, या मिक्स करके करना चाहें तो वो भी आपका विश है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इनमें मैंने ट्रांसफ़र करके रख दिए है कंटेनर में फ्रिज में। अब ये मेरा पूरा वीक के लिए सॉर्ट आउट हो गया है, इवनिंग स्नैक्स में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है अब। और आलू थे वो भी मैंने एक्स्ट्रा जो थे वो बॉईल करके रख दिए हैं। मतलब जो मुझे सब्ज़ी बनानी थी वो बन गई है, चटनी बना लो या फिर बच्चों को जैसे देते हैं ना उसमें दे दो, तो फ्राई करके दे दो, अच्छे लगते हैं। जैसे भी आप इनको यूज़ करना चाहें, यूज़ कर सकते हैं, पोहा में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगा था इस छोटे जार में अगर मैं निकाल दूँ तो, बट वो उसमें नहीं आया, तो इस बड़े वाले में ही रखना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर की जो छोटी सी कैप है ना, ये जो आप देख रहे हो, इसमें एक छोटी सी कैप आनी थी वो गुम हो गई है, तो इसमें थोड़े से एयर जाके थोड़े ड्राई होने का चांसेस है इसके। सब्जी आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था ना आप लोगों के साथ, तो वो सब्ज़ी मेरे बन के रेडी हो गई है। ये बना के देखिएगा, बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये भी मैंने इसको निकाल दिया है एक बड़े कंटेनर में, और इसमें से जितने भी जो सूखे मसाले थे वो सारे मैं निकाल दूँगी, क्योंकि फिर खाना खाते हुए बीच बीच में आएंगे तो वो कई बार दांत के नीचे आ जाते हैं, तो विनोद फिर उनका मूड ख़राब हो जाता है, तो मैं इसको पहले ही निकाल के रख देती हूँ जितना पॉसिबल होता है। इससे क्या होगा, जो मेरी किचन है वो मेरी साथ के साथ क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से आप किचन को क्लीन कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ों में जो आपके खाना होता है उसको छोटों में ट्रांसफ़र कर दो, और प्रेफर करो कि जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, बॉक्सेस है, कंटेनर है, उनका यूज़ करो, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना जो है आपके पास अभी खाना बचा हुआ है और आपको किस तरह से यूज़ करना है। दूध है उसको भी मैंने एक बड़े पतीले में बॉईल कर लेती हूँ और फिर इस तरह की एक डोलची में निकाल देती हूँ। ये 2-2.5 लीटर की मेरी डोलची है, तो इसमें उतना ही जो दूध है मेरे घर में वो आता है डेली, 2-2.5 लीटर, कभी 3 लीटर भी आता है, बट फिर जैसे यूज़ होके थोड़ा बहुत चाय वाय बन जाती है, बच्चे ले लेते हैं, और बाकी जो बच जाता है उसको इस छोटे वाले में निकाल के रख देती हूँ। क्योंकि अगर ये बड़ा पतीला मैं अगर फ्रिज में रखूँगी तो काफ़ी स्पेस लेगा, जबकि इस डोलचे के अंदर वो है अपना ईजिली थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। और जब भी फ्रिज में कुछ भी रखें उसको नीचे से क्लीन करके ज़रूर रख दें। अपना लास्ट बार का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, जो आइसक्रीम स्टिक है उससे जो ऑयल है वो मैं इस कंटेनर में डाल रही हूँ बड़े वाले से। चलिए ये काम भी हो गया है, बस एक बड़ा सा काम रह गया है, वो है मेरे मेडिसिन लेने का। तो जैसे दांतों का ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, टीथ का ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं आपको पता तो दूसरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। 20 डेज के अराउंड हो गया है ये ट्रीटमेंट चल रहे, और मुझे जो दवाइयाँ हैं वो लेनी पड़ती हैं, और सबसे बड़ा काम होता है इनको लेना, मतलब अटकने लग गई अब तो दवाइयाँ, बड़ी मुश्किल से ली जाती हैं। 4-4, 5-5, 6 मल्टीविटामिन है, एंटीबायोटिक है, पेन किलर और एक और है, तो ये 4-5 जो मेडिसिन होती है ये लेनी होती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है इनको लेना, बट कोई बात नहीं, लेनी तो है ही, चलो ख़त्म कहानी। और चलिए चाय जो है वो मेरी रेडी हो गई है, तो चाय बनाई थी मैंने, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, शक्कर वाली चाय बनाती हूँ। चाय बॉयल हो गई है, उसके बाद 2 चम्मच शक्कर डाल दो और बस इसको हिला के 2 मिनट के लिए पका लो अगर आप पकाना चाहते हैं तो, और बस फिर छान के और इन्जॉय कर लो अपनी गुड़ वाली चाय। अच्छा, गुड़ वाली चाय में क्या होता है ना, चीनी जो होती है हार्मफुल होती है, गुड़ आपको डाइजेशन का काम करता है, दोनों में कैलरी तो सेम होती है, बट हाँ टेस्ट थोड़े दिन में आपका डेवलप हो जाएगा। स्टार्टिंग में अजीब सी लगती है गुड़ या शक्कर वाली चाय, बाद में टेस्ट डेवलप होके आपको चीनी की चाय अच्छी नहीं लगेगी, जैसे अब हमें नहीं लगती, अब चीनी वाली चाय अच्छी नहीं लगती,
थी, गुड़ या शक्कर वाली ही चाय है जो उसी का टेस्ट हमें अब अच्छा लगने लग गया है। तो बस इस चाय को एक बार थोड़ा सा बैठ के इंजॉय करूँगी अपनी चाय को, और उसके बाद है जो अपना काम है वो स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट संडे है, ऐसे ही निकल जाता है, छोटे छोटे काम हैं, बट ऑलमोस्ट मेरा सारा काम जो है वो फिनिश हो चुका है। अभी मैं करूँगी अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग। तो चलिए चलते हैं सीधा वॉशरूम में। तो ये हूँ मैं, फेस वॉश कर लेते हैं। तो फटाफट से यह मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे करती हूँ। वीक में ट्राई हमेशा करती हूँ कि वीक में दो बार करूँ, बट वीक में एक ही बार हो पाता है, बट कोई बात नहीं, जैसे भी हो जाए अच्छा है। तो पानी से फेस वॉश किया है, उसके बाद फेस वॉश यूज़ करूँगी। ये एक नया फेस वॉश मैंने ट्राई किया था, ये है पिगमेंटेड स्किन के लिए, बहुत अच्छा फेस वॉश है ये। इसका लिंक हो सका तो मैं ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसको चेकआउट कीजिएगा। विदाउट केमिकल है और कोई भी प्रमोशनल नहीं है, ये मैंने खुद अपने पैसों से मंगवाया था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसको जब से यूज़ करने लगी हूँ। दिन में एक ही बार यूज़ करती हूँ और हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ हो पाता है ये, बट बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये, ऑल स्किन टाइप के लिए, पिगमेंटेड स्किन के लिए, ब्राइटनेस स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ट्राई करूँगी कि मैं इसका लिंक दे दूँ आप लोगों को, इसको ज़रूर एक बार ट्राई आउट कीजिएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है स्क्रब का। तो वाव का जो स्क्रब है वो यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और टैनिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्क्रब है इसको। ये भी ऑल स्किन के लिए है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका जो लिंक है वो नीचे दे दूँगी, और शायद वाव पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, अगर मुझे डिस्काउंट कूपन कोड अपना मिल गया ना तो वो दे दूँगी मैं आपको, ट्राई आप कर लीजिएगा। अगर आप बाय करना चाहें इनकेस, तो एटलीस्ट कुछ फ़ायदा तो होना, तो 20% ऑफ मिल जाएगा। मैं वाव का दे दूँगी आप लोगों को नीचे जो है कूपन कोड है, और पहले वाले पे फेस वॉश पे कोई कूपन कोड नहीं जाएगा, क्योंकि वो मैंने अपने वो कोई प्रमोशन के लिए नहीं था, मैंने खुद से बाय किया था इसीलिए। उसके बाद फेस मसाज की बारी। तो एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ मैं, आप अगर घर पे फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसमें से जो जेल है वो निकाल के मसाज कर सकते हैं। ये 100% एलोवेरा जेल है, ये मैंने रिसेंटली बाय किया था, ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो बस इस पे पूरे फेस पे इसको अच्छे से लगा के और इसके 3 से 4 मिनट के लिए मसाज कर लूँगी, जब तक ये आपकी स्किन के अंदर ना चला जाए। इसको वॉश, इसके बाद वॉश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अच्छे से स्किन को अच्छे से मसाज कर लेनी है, और उसके बाद जो पैक है हम वो अप्लाई कर लेंगे। और पैक को रखना है 20 मिनट्स के लिए। पैक के लिए भी मैंने वाव का टर्मरिक क्ले फेस मास्क यूज़ किया है, इसका लिंक भी नीचे दे दूंगी, काफ़ी अच्छा रहता है, इफेक्टिव रहता है। अगर इसको हफ्ते में 2 से 3 बार आप लगाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसको लगा के आराम से रिलैक्स करें, सोएं, पढ़ें, कुछ भी करें, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो आज मसाज डे था, सबको मसाज दी गई थी और मैंने खुद की भी चंपी की थी। एंड अभी जो है मैं स्टीम है वो ले लेती हूँ। वैसे तो जैसे ऑयलिंग करने के बाद तुरंत बाद जो है आप स्टीम ले सकते हो, बट फिर मुझे एक ये होता है ना, ये 15-20 मिनट जो है आराम से बैठना होता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करो, तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा अपने क्लीन अप कर लिया, और अब फेस पैक भी लगा लूँगी और हेड मसाज भी, दोनों ही हो जाएंगी और दोनों का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और इस बीच में मैं अपनी जो वीडियोज़ है वो देखना पसंद करती हूँ अपने फ़ोन में, मतलब जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो देखना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो गाना सुन सकते हो, सो सकते हो, जो चाहे आप वो कर सकते हो, बट अभी एक्चुअली है क्या, सामने मेरा फ़ोन रखा हुआ, फ़ोन से ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बट हाँ इस टाइम पे मैं अपना फ़ोन का को देखना ही प्रेफर करती हूँ। तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर मुझे याद आया कि चलो बाल खोल लेती हूँ, क्योंकि जैसे बांध रखे थे ना तो बाल एक साथ रहते हैं, तो थोड़ा सा बाल खोल के अब इनको इसके अंदर डाल के और कर लूँगी। हेड स्टीमर ये जो वाला है ये भी काफ़ी अच्छा है, हो उसका तो लिंक जरूर प्रोवाइड करूँगी सारे ही प्रोडक्ट का जो भी मैंने यूज़ किया है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़रूर होनी चाहिए, एंड एक दिन आपको अपनी सेल्फ केयर के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एक दिन निकाल पाती हूँ लेकिन वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस बीच में मैंने क्या किया, भूख लगाई थी तो मैंने ये जो तीनों प्लेट है ना ये भरी हुई थी, और मैंने वाटरमेलन अपना सारा फिनिश कर दिया है। वाटरमेलन नहीं खा सकती हूँ, दांत में पेन है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वाटरमेलन मेरे लिए एक लाइफ सेवर का काम कर रहा है आजकल। वाटरमेलन लस्सी हो गई और कोल्ड कॉफ़ी हो गई, तीनों ही। तो ये 3 प्लेट पूरी भरी हुई थी जो मैंने खा चुकी हूँ, और अब मैं बिल्कुल फुल हो गई हूँ। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा नहाई नहाई करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए विनोद यहाँ पे सो रहे हैं, परी मैडम यहाँ पे है मेरे साथ। तो उसको ये है ना, मंदिर गई थी तो मंदिर में पंडित जी ने उसको ये वाला जो दी थी, तो अभी वो कह रही है तो मेरा था, अब इसमें आपके बाल आ गए हैं,
क्या है ये। और उधर जो अपना नीरव लगा हुआ है उसको मैंने खाना दे दिया है, और नीरव ने खाना खा लिया है, और विनोद भी खाना खा के ही सोए हैं, परी ने भी खाना खा लिया। मेरा रहता था क्योंकि मैंने स्टीम वगैरह दी, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने कुछ काम किया अपना, एंड देन मैं नहा के आई हूँ, और उसके बाद अब मैं जो है अपना लंच करूँगी। तो संडे का दिन रिलैक्सिंग होता है, फैमिली के साथ होता है, तो थोड़ा सा उसको अगर मैनेज करके चलते हैं तो काम थोड़े से इजी हो जाते हैं और आपको टाइम भी मिल जाता है। तो सबको मैंने रोटी दी थी, लेकिन मैं जो चावल है वो खाऊंगी, रोटी के साथ जो छोले और आलू की सब्ज़ी थी वही थी, बट इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं इसको राइस के साथ भी खा सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये राइस के साथ ये सब्ज़ी लूँगी ताकि मुझे ज़्यादा चबाना ना पड़े, चूना करना पड़े। और 2-3 चम्मच राइस है वो हमेशा मैं 1 से 2 चम्मच शक्कर के साथ ज़रूर खाती हूँ, मीठा मेरा फेवरेट है, और परी को भी मीठे राइस है ना जो शक्कर वाले राइस, ये बहुत पसंद है उसको। तो ये तो मैं मतलब वाइट राइस हमारे घर में बने और शक्कर के साथ ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब भी हम वाइट राइस बनाते हैं तो हमेशा प्लेन बनाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो उसमें जीरे का छोंक लगाते हैं, नमक डालते हैं हल्का सा, हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें शक्कर के साथ खाना होता है इसीलिए। तो ये है आज का मेरा लंच, मेरा संडे का लंच, और इसके साथ मैं सैलेड लेती हूँ, बट आज सैलेड नहीं लूँगी, सिर्फ लस्सी लूँगी। दही मुझे इतनी पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं मोस्टली हर मील के साथ जब भी मुझे लेनी होती है तो मैं लस्सी ही लेती हूँ, और ये लस्सी मैंने दही घर पे ही जमा ली थी और उसी की लस्सी है, तो 1 ग्लास लस्सी। दही ले तो वो भी बेटर होता है, बट लस्सी ले ले तो उसमें भी कोई ऐसा हार्म नहीं होता, अच्छी रहती है। तो ये छाछ बन गया है मेरा, और मेरा जो लंच है वो रेडी हो गया है, और यहाँ पे परी मेरे पीछे पड़ी हुई है, उसको बनवानी है चोटी अपनी। चौकीदार फ्रिज में और आपकी चॉकलेट का है, थी तो मैंने अपनी चॉकलेट खत्म करके निन्नी की चॉकलेट खाई जा रही है हैं? चुरा के हम्म, अच्छा, ले ली। हाँ, कीले खत्म फ्रेंड्स ए काका काका देखते रहता, काका बोलता रहता है, चलो बाय कर दो। अभी हम सोने जा रहे हैं, अभी हम खाना खा रहे हैं, मुझे भूख लग रही थी ना इसलिए और खाना खाने के बाद चॉकलेट उसके बाद खाना नहीं, खाना भी तो खाइए बुड्ढू, हाँ तो वही कर रहे ना, खाना खाने के बाद क्या करेंगे? फिर सही खाने के बाद ओके ऐसे आग बंद करके, हम्म, अगर नहीं हुई ना तो मैं भूत ले जाऊंगी। सच में ओके।